हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE ट्यूटोरियल्स। सो जेक्वेरी सीखने की इस सीरीज में यहाँ पर अब हम बात करेंगे ट्रेवर्जिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। ट्रेवर्जिंग क्या होता है और इसका यूज कहाँ पे आता है जावास्क्रिप्ट में, सॉरी जेक्वेरी में। सो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज ट्रेवर्जिंग, ठीक है। ट्रेवर्जिंग क्या होती है और फिर हम बात करेंगे ट्रेवर्जिंग को हम समझेंगे। बेसिकली इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनका हम यूज करेंगे, तो उनको हम यहाँ पर समझेंगे और फिर हम बात करेंगे एक्चुअल फंक्शंस और मेथड्स के बारे में जो कि ट्रेवर्जिंग में यूज होते हैं। सो बेसिकली हम बात करें अगर सबसे पहले ट्रेवर्जिंग क्या होता है। सो ट्रेवर्जिंग मीन्स गोइंग थ्रू, ठीक है। ट्रेवर्जिंग मतलब कि जैसे हम बात करते हैं कि ट्रेवर्जिंग एरे, आपने पढ़ा होगा कि एरे को ट्रेवर्जिंग करना, मतलब कि एरे में एक एक एलिमेंट के थ्रू सर्च करना, एक एक एरे में एलिमेंट के थ्रू जाना, ठीक है। तो बेसिकली हम जैसे एरे में ट्रेवर्जिंग की बात करते हैं तो मतलब कि हमें एरे को ट्रेवर्स करना है, एक एक एलिमेंट के थ्रू जाना है। जैसे हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है तो हम एक एक एलिमेंट के थ्रू जा करके उस एलिमेंट को सर्च करें, तो उसको बोलते हैं हम ट्रेवर्जिंग, ठीक है। सो ट्रेवर्जिंग मीन्स गोइंग थ्रू, दैट मीन्स गो थ्रू ईच एलिमेंट टू फाइंड सम एलिमेंट इन डॉम। तो हम अगर एरे की बात करते हैं तो वहाँ पर एरे ट्रेवर्जिंग हो जाएगा, और हम यहाँ पर डॉम जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टेड मॉडल है इसकी बात करते हैं तो हम एलिमेंट्स को यहाँ पर ट्रेवर्स करेंगे, एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। सो ये होता है ट्रेवर्जिंग का मतलब। सो दिस कॉन्सेप्ट इज यूज टू फाइंड सम एलिमेंट। अगर हम डॉम एलिमेंट, डॉम ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई एलिमेंट को फाइंड करने की बात आ जाती है। अगर जैसे हम ट्रेवर्जिंग एरे की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एरे में कोई भी एक वैल्यू या एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम ट्रेवर्जिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सो देर आर सम टर्मिनोलॉजी, देर आर सम टर्मिनोलॉजीज यूज इन ट्रेवर्जिंग। वी विल अंडरस्टैंड देम बाई एग्जाम्पल ऑफ डॉम ट्री। सो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिनका यूज होगा ट्रेवर्जिंग में, तो उसको हम एक डॉम ट्री की सहायता से समझेंगे। तो ये एक, इसको हम डॉम ट्री बोलते हैं, मतलब कि एक जो डॉम स्ट्रक्चर है, एलिमेंट जो आपका HTML पेज है उसका एक स्ट्रक्चर है, उसको डॉम ट्री बोलते हैं जिसमें एलिमेंट्स होते हैं। तो इसकी सहायता से हम समझेंगे यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, एंसेस्टर्स क्या होता है, डिसेंडेंट क्या होता है, सिबलिंग्स क्या होता है, सिबलिंग्स क्या होता है। सो ये मेनली यूज टर्म्स हैं, ठीक है। वैसे सिंपल है, आपको पता होगा पेरेंट्स, चाइल्ड, एंसेस्टर्स क्या होते हैं, बट हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इनको पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आगे हम मेथड डिस्कस करेंगे तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। सो हम इनको स्किप नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई एम डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, ओके। सो अब यहाँ पर हम बात करते हैं पेरेंट क्या होता है। आपको पता है पेरेंट क्या होता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें इन दोनों टैग्स के बारे में, तो ये UL है, इसका पेरेंट कौन होगा, div टैग, ठीक है। तो UL टैग है, इसका पेरेंट div टैग होगा, ऑफकोर्स इसके जस्ट ऊपर आएगा उसको बोलते हैं पेरेंट। अब पेरेंट मतलब कि डायरेक्ट पेरेंट, डायरेक्ट पेरेंट ऑफकोर्स मतलब पेरेंट एक ही होगा, तो डायरेक्ट पेरेंट हम इसको बोलेंगे कि इसके जस्ट अबव वाला जो भी एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट पेरेंट। और UL का पेरेंट मतलब कि यहाँ पर डिव टैग है। अब पेरेंट है तो इसी तरीके से इसका चाइल्ड, अगर हम चाइल्ड की बात करते हैं तो डिव का चाइल्ड क्या होगा, यहाँ पर UL, ठीक है, एक ही चाइल्ड है इसका UL। तो ये होगा पेरेंट और चाइल्ड। अब इसी तरीके से हम बात करें अगर UL की, तो यहाँ पर UL का चाइल्ड क्या हो जाएगा, LI। तो अब की बार इसके आगे दो चाइल्ड हैं, एक LI ये है और एक LI ये है, ठीक है, दो चाइल्ड हो गए इसके। अब इन LI की अगर हम बात करें डायरेक्ट पेरेंट की, तो इनका डायरेक्ट पेरेंट ऑफकोर्स क्या होगा, UL होगा, कि इनका डायरेक्ट पेरेंट UL होगा। अब पेरेंट तो ये भी ड्यू भी होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं इस तरह से ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। बट डायरेक्ट पेरेंट की बात करें तो इसके जस्ट अबव वाला, तो इन दोनों का पेरेंट क्या होगा, UL, ठीक है। अब बात करें हम एंसेस्टर्स की, तो एंसेस्टर्स हो गया मतलब कि इनके पूर्वज, मतलब कि इसके ऊपर आने वाले, जैसे ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, ये सब एंसेस्टर्स में आते हैं, ठीक है। तो अगर हम LI के एंसेस्टर की बात करें, इन दोनों LI की, तो इनके ऊपर वाले एलिमेंट वो एंसेस्टर्स में आएंगे। UL हुआ, ये भी एंसेस्टर में आएगा, और DIV है, ये भी एंसेस्टर में आएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि यहाँ पर डिसेंडेंट, डिसेंडेंट क्या होगा, इनके बाद में आने वाले,
ठीक है, जैसे ड्यू टैग की हम बात करें तो इसका डिसेंडेंट क्या होगा, इसके बाद में आना, ये भी डिसेंडेंट है, ये भी इनके डिसेंडेंट है, ठीक है, और एंसेस्टर ऊपर वाले, ऊपर आने वाले, और डिसेंडेंट नीचे आने वाले, ठीक है, और पेरेंट और चाइल्ड आपको समझ आ गया, डायरेक्ट पेरेंट मतलब कि उसके जस्ट अबव वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट पेरेंट। अब इसी तरीके से सिबलिंग की भी हम बात कर लेते हैं, सिबलिंग मतलब ब्रदर्स और सिस्टर्स, ठीक है, तो ये सिबलिंग्स में आते हैं, जैसे एल आई टैग है तो इसके दो चाइल्ड हैं यहाँ पे, एक स्पैन ये और एक स्पैन ये, ठीक है, तो अब ये दोनों यहाँ पर सिबलिंग है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर सिबलिंग हैं और इनका पेरेंट एल आई है, ठीक है, और इनके एंसेस्टर की बात करें तो एल आई है, ये यू एल है, डिव है, ये सारे इसके एंसेस्टर्स हो जाएंगे। तो ये टर्म्स यहाँ पर जो मेनली यूज होंगी, और आई थिंक आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से समझ आ गया होगा। मैंने आपको इसीलिए समझाया क्योंकि अब आगे हम जो मेथड्स डिस्कस करेंगे इनको ट्रैवर्स करने के लिए, अभी तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है बस, अब ट्रैवर्स करने के लिए जो मेथड्स हम यूज करेंगे वो मेथड्स इनके नाम पे होंगे। जैसे हम पेरेंट्स, हमें फाइंड करना है तो पेरेंट नाम का ही मेथड होगा, ठीक है, तो ये ज़रूरी था इसलिए हमने डिस्कस किया है। तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स के बारे में, और प्रैक्टिकल हम यहाँ पर करके देखेंगे कि हमें पेरेंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, एंसेस्टर्स फाइंड करने हैं तो हम कैसे करेंगे, और भी मेथड्स हैं उनको हम सबको डिटेल में यहाँ पर विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।